करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो गई है। 33 उम्मीदवारों में से एकमात्र नए चेहरे को जगह मिली है। मुंडावर से कांग्रेस ने ललित यादव को उम्मीदवार बनाया है। ललित यादव पिछली बार बसपा से चुनाव लड़े थे और करीब 54,000 वोट उन्होंने हासिल किए थे। और हमारे सहयोगी डांगी जुड़ गए हैं, दिनेश डांगी हमारे साथ इस खबर पर। डांगी, ओवर टू यू। जी देखिए नंदिनी, हम 33 सूची की बात करें तो सबसे बड़ी खास बात है कि एकमात्र नया चेहरा कांग्रेस ने इसमें उतारा, और इतने तमाम दिग्गज नेता थे उनके नाम उस पहली सूची में नहीं आए। क्या वजह रही, पार्टी की क्या रणनीति, खैर वो अलग बात है, लेकिन ललित यादव को पार्टी को अपना उम्मीदवार बनाना था क्योंकि उन्होंने बसपा से अच्छा चुनाव लड़ा था और करीब 54,000 से ज़्यादा वोट लिए थे। खुद ललित यादव मेरे साथ हैं। सर, पहले तो पार्टी ने जो आपको टिकट दिया है, क्या उसके बारे में कहना? मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। निश्चित रूप से पार्टी इस बार बहुत ही ग्रास रूट पर काम करने वाले लोगों को अवसर दे रही है। इन 5 सालों में जिस तरीके से राजस्थान में काम हुए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने काम राजस्थान में किए हैं, निश्चित रूप से आने वाले वक्त में सरकार राजस्थान की में कांग्रेस की बनने जा रही है और उन कामों के दम के ऊपर जनता कांग्रेस को वोट देना चाहती है। लोगों का बहुत मन है। कल से हजारों लोगों ने मुझे फ़ोन किया है और निश्चित रूप से आने वाले वक्त में हम लोग चुनाव जीत करके और राजस्थान की सरकार का हिस्सा बनने का हम लोग काम। आपको उम्मीद थी कि सूची अचानक इतनी छोटी आ जाएगी और आपका उसमें भी नाम आ जाएगा? नहीं, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि छोटी सूची मेरा नाम आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि निश्चित रूप से इस बार जो पार्टी नेताओं ने कहा है कि सर्वे करके हम लोग टिकट देंगे, तो मुझे लगता था कि मेरा नाम जरूर आएगा, लेकिन छोटी सूची में नाम आया ये मुझे उम्मीद नहीं थी। किस तरह आप अपने वो चुनाव लड़ेंगे, सरकार की योजना का तो कैंपेन करेंगे, स्थानीय मुद्दे फिर किस तरह के उठाएंगे आप जो पूरा करेंगे वापस जीतने पर? स्थानीय मुद्दे जो लोकल को रोजगार की बात है, सड़क पानी बिजली की बात है, जो लंबे समय हमने 13 साल से लगातार मुंडावर के एक दिन रात हमने 24 घंटे काम किया है, जो समस्या इन दिनों में जो हमें मिली है, निश्चित रूप से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस सरकार बनने के बाद में जो काम अधूरे रहे इन 13 सालों में जो नहीं हो पाए, उन सब कामों को करने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ पड़ोस में नीमराना औद्योगिक जोन है, कोरियन जोन है, घिलोट जोन बना हुआ है जिनमें विदेशी कंपनियाँ लगी हुई हैं। हमारा यहाँ का नौजवान बाहर रोजगार के लिए जाता है, सबसे बड़ी बात यह, इस पर हम लोग काम करेंगे, हमारे नौजवान को रोजगार दिलवाने की बात करेंगे। सरकार राजस्थान कांग्रेस की बनेगी, हम लोग सरकार से ये निवेदन करेंगे कानून बना करके राजस्थान में 70% लोगों को स्थानीय लोग रोजगार देने की सरकार बात करे। इन सब मुद्दों पर हम लोग काम करने की चेष्टा करेंगे। बीजेपी के उम्मीदवार है, वो युवा है, आप भी युवा है, दो युवाओं के बीच में मुकाबला है, मुकाबले को आप किस तरह देखते हैं, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, राजस्थान में जो इन 5 सालों में ऐतिहासिक काम हुए हैं, पूरे देश और दुनिया में चर्चा है। निश्चित रूप से पूरे मुनावरी नहीं, पूरे राजस्थान का वोटर उत्साहित है कांग्रेस को वोट देने को। और जब आदमी पहली बार चुनाव लड़ता तो हो सकता है कि भावनात्मक रूप से वोट मिले, सिंपैथिक वोट मिले, कई कारण हो जाते हैं, लेकिन दूसरा चुनाव जब आदमी लड़ता है तो उसके काम के आधार पर वोट मिलता है। सामने वाले व्यक्ति ने काम किए होंगे तो मुंडावर की जनता उसका फैसला आपके सामने करेगी। मैं निश्चित रूप से आज ही आपके सामने मुंडावर के मतदाताओं की तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मन बनाया हुआ है। रिजल्ट तो 3 दिसंबर को आएगा और आप लोग देखोगे कि निश्चित रूप से अच्छा फैसला जनता करेगी। काफ़ी उतार चढ़ाव आया, आपने छात्र राजनीति से सफर की शुरुआत की, टिकट पिछली बार नहीं मिला, फिर आपको PCC पदाधिकारी बनाया, फिर हटाया गया और अब आपको कांग्रेस का पहली सूची में टिकट मिला, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व, सब लोगों ने इस बात पर प्लानिंग की है राजस्थान में कि हमारा पूरे सरकार बननी चाहिए और सरकार तब बनेगी जब ग्रास रूट पर काम करेंगे। निश्चित रूप से जो ग्रास रूट पर काम करने वाले लोग हैं, जो मुख्यमंत्री जी और तमाम हमारे नेता कह रहे हैं कि हमारा केवल एक क्राइटेरिया है जिताऊ, तो निश्चित रूप से जो जिताऊ प्रत्याशी हैं उन पर काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमने 13 सालों में यहाँ काम किया है, मैंने दूसरी पार्टी से चुनाव भी लड़ा और मुझे 55,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना वोट दिया, फिर मुझे PCC में पदाधिकारी बनाया, मैंने स्वयं छात्र जीवन से आता हूँ, छात्र संघ में मैं चुनाव लड़ा हूँ, तो निश्चित रूप से लंबा चुनाव ये राजनीति में अनुभव हमारा रहा स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर के यहाँ तक का, और ये पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी प्रदेश में काम करने की दी और फिर पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए मुझे फ्री किया कि आप चुनाव लड़ोगे, आपको हम लोग यहाँ के लिए फ्री कर देते हैं। तो मेरा भी मन करौली और धौलपुर मुझे लगाया हुआ था,
वहाँ मैं हर 2 महीने 3 महीने मीटिंग करने जाता था, लंबा सफ़र होता था, तो इसलिए मुझे काम करने के लिए जिम्मेदारी दी थी और मैं मिला हमारे शीर्ष नेतृत्व से, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको काम करने, ये मुंडावर में आपको काम करना है, तो उसने मुझे फ्री किया था। मैं पार्टी का पुनः तमाम शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे प्रत्याशी बनाया है और जिस तरीके से, जिस सोच और उम्मीद के साथ मुझे आपने प्रत्याशी बनाया है, मैं निश्चित रूप से आपकी उम्मीद और सोच पर खरा उतरूंगा, यही बात आपको कहना चाहता हूँ। और जितेंद्र सिंह के बिना अलवर में पता तक नहीं हिलता, उनका क्या रोल है, उनको किस तरह क्रेडिट, 2 शब्द उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भंवर साहब देश के नेता हैं और अलवर ज़िले में उनका आशीर्वाद हमेशा ही नौजवान के साथ रहा है। जब भी कभी इस तरह की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने हमेशा नौजवान की मदद करी है। मेरी भी उन्होंने, जब मैंने वापस से लोकसभा चुनाव में पार्टी ज्वाइन की तो उन्होंने उसी टाइम मुझे कहा था कि निश्चित आप निश्चित रहो इस बात को लेकर के कि पार्टी आपके बारे में ज़रूर सोचेगी, आपने अच्छा वोट लिया है और हम लोग आपको आगे बढ़ाने की प्रयास करेंगे। भंवर साहब निश्चित रूप से देश और दुनिया के नेता है, बड़े नेता है, उनका आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। नंदिनी बिल्कुल, ये थे ललित यादव। इनका इलाका NCR में आता है मुंडावर, कई समस्याएं जी, और कह सकते हैं कि बहुत संघर्षशील लीडर है, बसपा से चुनाव लड़ा और इनका खुद का भी काफ़ी परिवार का वहाँ जनाधार है और इनके सामने भी युवा है, लेकिन कह रहे हैं कि मेरी जो मेहनत है उसकी बदौलत जीत मुझे मिलेगी, कांग्रेस पार्टी वहाँ से जीतेगी। जी जी शुक्रिया दिनेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ललित यादव हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।